हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एमयू में जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 सेशन के लेके, जो कि स्कूल के लेके क्लास सिक्स नाइन्थ इलेवन सबका जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी के लेके, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको एलिजिबिलिटी पता होना चाहिए। आपने एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लिया, ऐसा ना हो कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो एलिजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, और आपका पेपर डिटेल्स में आपका एनालिसिस, क्योंकि आपका जो सिलेबस है आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका किस बेस पर एग्ज़ाम होगा, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स होंगे, हम लोग ए टू जेड बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने क्लास सिक्स के लेके एलिजिबिलिटी के लेके बात कर लिया था, और आप लोग का जो कमेंट आ रहा है क्लास नाइन के, तो आज हम लोग पूरे क्लास डिटेल से बात करने वाले हैं क्लास नाइन के लेके। अगर आप अपने छोटे भाई के लिए एलिजिबिलिटी चेक करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप दोस्तों क्लास सिक्स के लिए एलिजिबिलिटी चेक कर लेना। तो दोस्तों आप हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन के लेके। दोस्तों आप यहाँ देखोगे बॉयज़ के लेके, हम गर्ल्स के लिए दोनों के लेके बात करेंगे। तो दोस्तों क्लास नाइन के लेके जो जहाँ एमयू में जो स्कूल है, आप यहाँ दोस्तों देखोगे थ्री स्कूल है, जो कि एसटीएच स्कूल है, और आरपीएमपी यहाँ पर देखोगे आरएमपीएस एमयू सिटी स्कूल है, और जो है एमयू एबीके हाई स्कूल है। तो दोस्तों बॉयज़ के लिए थ्री स्कूल है। उसके बाद आप दोस्तों देखोगे गर्ल्स के लेके, गर्ल्स के लिए दो स्कूल है, एमयू यहाँ पर गर्ल्स स्कूल है, और एमयू देखोगे एबीके हाई स्कूल है। यहाँ पर दोस्तों देखोगे बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग स्कूल है। अब दोस्तों इसमें जो सीट है, आप देखोगे यहाँ पर जो हर एक स्कूल में आपका 90-90 सीट है, यानी कि 90-90 बच्चे का एडमिशन होगा इसमें। आप दोस्तों देखोगे यहाँ पर थ्री स्कूल है, हर एक स्कूल में आपका 90-90 सीट है। इसी प्रकार एमयू में देखोगे, यहाँ पर देखोगे गर्ल्स के लेके, तो इसमें भी आपको 90-90 सीट है। यानी दोस्तों आप देख लिया, यहाँ पर सीट हमने बात कर लिया। ये दोस्तों सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आपको यहाँ पर स्टडी होगा। अब इसके बाद देखोगे नीचे जाओगे, जैसे नीचे के जाओगे, अब हम बात करते हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपको एग्जामिनेशन आप यानी कि आप एग्ज़ाम दे दिए तो आपके जो एलिजिबिलिटी रहना चाहिए। तो आपने जो क्लास एट किया है दोस्तों, यानी आपने नाइन्थ का एग्ज़ाम दिया, यानी आपने क्लास एट दोस्तों करके आया है। तो क्लास एट आपने जो किया है वो आपका जो जिस स्कूल से किया है वो गवर्नमेंट से अथॉरिटी होना चाहिए, या आपका जो अप्रूवल होना चाहिए पब्लिक एग्जामिनेशन बोर्ड से दोस्तों, तभी आप एडमिशन ले पाओगे इसमें, यानी आप एलिजिबल रहोगे। अब दोस्तों एज, जो कि एज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज में बहुत बच्चे के लिए के एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं। तो एज के लिए के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज आपका होना चाहिए। आप दोस्तों देखोगे अगर आपका एज 13 इयर्स हो गया हो तभी आप दोस्तों एलिजिबल हो, 13 से 15 इयर्स, यानी कि आप 13 साल के हो और 15 साल से ज़्यादा नहीं हो तो आप एलिजिबल हो। यानी आपका मिनिमम एज जो आपका 13 साल के होना चाहिए, उसके बाद मैक्सिमम एज आपका 15 साल के होना चाहिए। अब दोस्तों जो एज काउंट होगा 15, यानी 15 यहाँ दोस्तों देखोगे जो आपका एज होना चाहिए 13 से 15 ईयर्स आपका ओल्ड होना चाहिए बस। यानी आप दोस्तों देखोगे एज जो काउंट होगा आपके 31 मार्च से आपका काउंट हो गया, 31 मार्च तक किस काउंट होगा। आपका जो जन्म होना चाहिए वो आपका 1 अप्रैल 2009 से आपका 31 मार्च 2011 के बीच में आपका जन्म है तो आप एलिजिबल हो। हमने यहाँ पर एज लिमिट देख लिया। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, जो कि ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन ही कैसे होगा, जो कि आपको आइडिया होना चाहिए। तो दोस्तों आप देखोगे सिलेक्शन जो आपका होगा, आपका टू स्टेज में होगा। एक जो होगा रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एक जो इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट जो होगा वह 85 मार्क्स का होगा, उसके बाद आपका 15 मार्क्स का जो होगा वो आपका इंटरव्यू होगा। आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाइड कर लिया, उसके बाद ही आप इंटरव्यू में जाओगे दोस्तों। यानी आपका फर्स्ट स्टेज रिटन टेस्ट है, उसके बाद सेकेंड स्टेज जो है आपका इंटरव्यू है। यहाँ पर मार्क्स कितने मार्क्स होगा हमने यहाँ पर देख लिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आप यहाँ दोस्तों देखोगे रिटन टेस्ट में आपका 40% आपको होना चाहिए मिनिमम, तभी आप लिस्ट में आ सकते हो। यानी आप जो कट ऑफ जाएगा वो कट ऑफ में तो आपको कट ऑफ के रेंज में आपको आना है, पर मिनिमम आपको जो है ये आपका मार्क्स आना चाहिए 40 मार्क्स आपको आना चाहिए मिनिमम, 40% मार्क्स आपको आना चाहिए। अब उसके बाद दोस्तों देखोगे पेपर डिटेल्स में हम बात करते हैं। जो पेपर डिटेल्स जो होगा, यानी आपका जो 85 मार्क्स का जो आपका जो पेपर होगा, इसमें दोस्तों आपको दो स्टेज रहेगा। यहाँ पर दोस्तों देखोगे सॉरी यहाँ पर सेशन दो रहेगा, सेशन वन सेशन टू, यानी आपका जो पेपर होगा उसमें दो सेशन रहेगा। जो कि एक सेशन जो रहेगा उसमें आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वो आपको इंग्लिश यहाँ पर उर्दू और हिंदी लैंग्वेज तीनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। और उसके बाद जो 60 नंबर का जो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी आप दोस्तों देखोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी आपको चार को ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको एक टिक करना है। तो आप इसके बाद देखोगे 60 यानी 60 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको मैथ रहेगा 30 मार्क्स के, उसके बाद आपका साइंस जो रहेगा वो आप 30 मार्क्स का रहेगा। यानी टोटल देखोगे इसमें आपको 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। हमने ये दोस्तों देख लिया। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए आपको
कॉल आएगा, यानी आपको इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो अब उसके बाद दोस्तों देखोगे टोटल पे, यहाँ पर देखोगे टेस्ट पेपर डिटेल्स, हम लोग सिलेबस देखते हैं। आपको जो सिलेबस होना चाहिए, आप दोस्तों देखोगे आपने जो एट किया है, एट करके आया हो तो आपका एट का ही सिलेबस रहेगा, जो कि आप दोस्तों देखोगे भाई सी बी एस ई बोर्ड्स का सिलेबस है या एन सी आर टी से, दोस्तों देखोगे आपका क्लास एट का ही सिलेबस रहेगा। तो आप एट के सिलेबस को रिवाइज कर ले, आपको उसी से पेपर होगा। उसके बाद आप दोस्तों देखोगे इसका जो फॉर्म आपका दोस्तों इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 11 मार्च तक है दोस्तों। 11 मार्च तक फॉर्म को फिल कर सकते हो बिना लेट फी के। दोस्तों जैसे ही फॉर्म आया था आपको इस चैनल पे वीडियो मिल गए थे, दोस्तों आपको इस चैनल पे A to Z वीडियो मिलते रहेंगे। आपका जो फॉर्म से लेकर आपको एडमिशन तक के सारे डिटेल आपको इसी पर मिलते रहेंगे, रिजल्ट भी आएगा तो आपको इसी पर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों बिना लेट फी के अगर आप फॉर्म फॉल फिल करोगे तो लास्ट डेट जो है 11 मार्च तक है, यानी आपको जो फी लगेगा देखोगे 750 रुपीज़ लगेंगे, यानी 750 रुपये लगेंगे अगर आप 11 मार्च के बाद फॉर्म फिल करते हो। लास्ट डेट जो उसके भी आप दोस्तों देखोगे 18 मार्च, यानी लेट फी के साथ भी अगर आप फॉर्म फिल कर सकते हो तो लास्ट डेट है उसका 18 मार्च तक फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसका जो फी लगेगा 1050 रुपये लगेंगे, यानी आपको 300 जो लगेंगे वो आपको लेट फी लग जाएंगे, आप इसमें जोड़ लोगे तो 1050 रुपये लगेंगे। हमने ये फी बात कर लिया। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर देखोगे करेक्शन के लिए, आपका जो लास्ट डेट है वो आपका 11 मार्च है। अब आपका जो फॉर्म में अगर कुछ मिस्टेक हो गया है तो आप 20 मार्च से 22 मार्च तक के आप एडिट करोगे, यानी आपको 3 डेज मिल गए आपको एडिट करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम दोस्तों आपका 2 आवर्स के लिए होगा, यानी आपको जो 85 मार्क्स का आपको जो पेपर होगा आपको 2 आवर्स के लिए आपको टाइमिंग मिलेगा, इसके लिए आपको 2 आवर्स मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।